कॉलेज में पहला दिन था। रूम में वे दो दोस्त बने, रचित और सृजन। हेलो सिद्धार्थ। वही है सिद्धार्थ कबूल। मेरा लास्ट एग्जाम में टॉप मारा था। वाह यार कांग्रेट्स। यहाँ भी वाह। टॉप क्या मार लिया, बड़ा खुश हो रहा है। लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जानी है तेरी। देखते कैसे टॉप मारता है। अरे यार बहुत बोर हो रहा है यार। हाँ यार हॉस्टल में भी कोई नहीं है, कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चलें घूमने चलते हैं, मजा आएगा। अरे कमांडर टू का शो लगा है, ग्रेट आइडिया। चलते हैं चलते चलते चलो। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी से आया। सिद्धार्थ हम लोग मूवी चल रहे हैं, तू भी चलना। नहीं मैं अपने रूममेट के साथ रूम में रहूंगा। अरे इसके कौन से रूममेट्स यार? अबे इसने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है, इसका दिमाग खराब हो गया। अच्छा आवाज विशाल है ना, मैंने मूवी के लिए पूछ रहा था। अच्छा तुम दोनों के साथ रहूंगा, मना कर दिया उसे। वाह बहुत बढ़िया क्या यार, मूवी देखने जाता है टाइम पास हो जाता है। मुझे लग रहा था तू पढ़ाई कर ले। पढ़ाई करता हूँ। फॉर्मेलिटी के लिए क्या पूछ लिया उन लोगों ने तुझे, मूवी के लिए बड़ा खुश हो रहा है। कोई नहीं यहाँ पे तेरा दोस्त, तू अकेला ही है, कोई तुझे पसंद नहीं करता। फॉर्मेलिटी के लिए मुझे लगा रचित और सृजन ही मेरे अच्छे दोस्त है। देखा सब जलते हैं तुझसे, ध्यान मत दे। दिन मेरी जिंदगी में कल्पना आई। क्या बात है भाई, आजकल किसके ख्याल में खोया रहता है? अरे भाई है कोई। कौन है तेरी रातों के नीचे रहने वाला? मैं मिलाता हूँ तुझे, टेंशन ना ले, मिलाऊंगा कभी। मतलब अब तो तू टॉप भी नहीं मारेगा है? और हमें भी भूल जाएगा, सोच ले एक बार। नहीं भाई नहीं भूलूंगा तुझे। नहीं नहीं दोस्त भाई, ये अच्छे इंग्लिश टीचर, इंटरनेट में रूममेट्स हैं। हाँ मेरे हॉस्टल में सब यही दोनों मेरे दोस्त हैं, कोई नहीं है मेरा दोस्त। यही है यही रात के लिए। हाँ भाई यही है।
सेठ बोल दे ना यार, ओ भाई सेठ बोल दे यार, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? बोल मांग रहा यार तू, आ रूम पे, रूम पे बता दो। देखा तूने आज किस तरह विषाद तुझे घोरे जा रहा था जब हम लोग बाहर गार्डन में थे? क्या करे, मेरे को तो लगता है वो पूरा खुन्नस निकालेगा तुझ पे, तूने उसको बॉल नहीं दिया ना, देखना वो आएगा तुझे मारने बराबर से। मुझे भी लग रहा है मारेगा मुझे। बहुत मारेगा बेटा, अब तो तू गया। तब से मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगा, मुझे पता था विशाल मुझे जरूर मारेगा। गिटार देना है आपके, सुना बहुत अच्छा बजाता है, हम लोग को भी बजाना है। और जैसे ही मैं कमरे में आया तो मुझे मारने ही वाला था, वो मुझे मारे उससे पहले मैंने उसे मार दिया। भाई ये क्या कर दिया तूने? अरे मैटर हो गया, मैटर हो गया, इसे मार दे इसको, अभी बात पुलिस को बुलाओ। था क्या कर दिया तूने? अब तो तेरी जिंदगी बर्बाद है, पकड़ के ले जाएगी, तू तो क्रिमिनल हो गया। पुटिंग साइलेंस रिकॉर्ड। जबकि उसका कोई रूममेट ही नहीं। देखा सब चलते हैं तुझसे, ध्यान मत दे उन पर। पागल हो गया क्या ये? अकेले ही गार्डन में बातें करता रहता था और कुछ दिनों से तो वो क्लास भी नहीं आ रहा था। एक दिन मैं उससे गिटार मांगने गया तो पता नहीं कहाँ खोया था, और जब मैंने उससे आवाज़ दी तो उसने उठ के मुझे ना उसे कभी मारा था तो गेम में। सिद्धार्थ जिसने कल्पना रचित और सृजन नाम की क्रिएशंस बनाए,
वो उनसे बातें करता था, उसे अकेला रहना पसंद था और उसको उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी। दीज आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। Schizophrenia, a psychotic disorder that is characterized by disintegration of thought processes and of emotional responsiveness. Cause, genetic, environmental stress, trauma, drug misuse. Reason, dopamine imbalance. Diagnosis, on the basis of medical history. Treatment, treating hallucination, delusion and avoiding suicidal attempts or severe uses of drug due to the illness by the patient. Neuroleptics, antipsychotic like clozapine done to socialize. Fact, worldwide 1% population suffers from schizophrenia and among them 30 to 40% try to attempt suicide. Schizophrenics can lead a normal life. There are many more cases of schizophrenia like schizophrenia, ek aisi bimari jo kisi bhi umr ke insaan ko ho sakti hai. Khas kar adolescence group mein pai jane wali yah bimari Albert Einstein ek jana mana scientist unke bete Edward Einstein ko bhi hui thi. उसे साइकियाट्रिस्ट बनना था पर पढ़ाई के दौरान वह इस बीमारी से पीड़ित हुआ। डैरिल हैमोन, एक्टर एंड स्टैंड अप कॉमेडियन, इवन ही वाज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। John Nash was a great American mathematician and a Nobel Prize winner who also suffered from schizophrenia and the movie A Beautiful Mind was dedicated to his life. Richardson, हा एक सीरियल किलर होता, मानसिक समतोल बिघडलेला आणि अतिशय समाज विघातक व्यक्तिमत्व असलेला। हा सुद्धा एक सिझोफ्रेनियाचा प्रकार आहे। चार्ल्स बडीबुल्डे, द पायनियर ऑफ जॅझ म्युझिक, ऑल्सो नोन फॉर द लाउड साउंड अँड कॉन्स्टंट इम्प्रोव्हायझेशन, इज सफर्ड फ्रॉम स्किझोफ्रेनिया। मैरी टोड लिंकन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की वाइफ थी, वो भी सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थी। पियर मार्जेस, द फेमस अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर, वाज इन द नेशनल रग्बी लीग फॉर 11 इयर्स। ही वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। John Hinckley Jr., most unfamous person with schizophrenia. He attempted to kill the 40th US President, Ronald Reagan, by shooting him with a revolver 6 times. But he failed. It is said to be a culmination of an effort to impress an US actress. Mental illness is not a choice, but recovery is. Mental illness is not a choice, but recovery is. Mental illness is not a choice, but recovery is.